आज राहुल गांधी को ईडी में पेश होने का नोटिस मिला है। मामला नेशनल हेरल्ड से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में सोनिया गांधी को भी 8 जून को पेश होना है। कांग्रेस इस नोटिस को लेकर काफी आक्रामक है। हालांकि आज राहुल पेश होंगे या नहीं, इस पर संदेह। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी यानी वो एजेंसी जिसका पूरा फोकस काली कमाई के कुबेरों पर होता है, उसी ईडी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुलाया है। वैसे हाजिर होने का नोटिस राहुल और उनकी मां यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दोनों के नाम निकला है, लेकिन राहुल को ईडी के अफसरों के सामने 2 जून यानी आज पेश होना है, जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन राहुल आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, इस पर संदेह है, क्योंकि खुद कांग्रेस के मुताबिक वो विदेश में हैं, इसलिए वो पेश होने के लिए और वक्त मांगेंगे। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। राहुल और सोनिया 3 तारीखों पर ईडी के सामने पेश हों या ना हों, ये बात की बात है, लेकिन पेशी के नोटिस को कांग्रेस ने नाक का सवाल बना लिया है। कल नोटिस की बात सामने आने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता एक के बाद एक मीडिया के सामने आए और इस नोटिस को गांधी परिवार के खिलाफ साजिश करार दिया। तिल मिलाहट इतनी थी कि मामले को सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ दिया। कांग्रेस के सहयोगी भी कह रहे हैं कि शायद अगला नोटिस जवाहरलाल नेहरू के नाम जारी हो जाए। मुझे तो लगता है इस प्रकरण में नेशनल हेराल्ड के विषय में एक दिन ईडी पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी ईडी का समन भेज सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी आप हम सुबह उठेंगे और पंडित नेहरू का जो स्मारक है वहाँ शांति पथ पे उधर ईडी का नोटिस चिपकाया हुआ। मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। इसमें सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा समेत कई कांग्रेसी नेता आरोपी हैं। ईडी ने इस 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 2015 में सोनिया, राहुल समेत आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। मई 2019 में ईडी ने इस केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। नेशनल हेराल्ड की एक बिल्डिंग जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज की है वो बैंड्रा ईस्ट में है, जिसके दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्लॉट को सीज कर लिया गया है। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो गांधी परिवार, कांग्रेस के नेता जो है वो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में जब सोनिया को नोटिस मिला था तब उन्होंने कहा था कि वो इंदिरा की बहू है, डरेंगी नहीं। एक बार फिर इंदिरा की बहू को नोटिस मिला है। देखना होगा सोनिया का जवाब क्या होता है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज, मुनीश पांडे और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।